हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फिज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बिग बॉस के बारे में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को ना कंटेस्टेंट पसंद आ गए थे जो घर के अंदर बचे थे, और अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो कंटेस्टेंट बचे हैं जो घर के अंदर कुछ ना कुछ शो को दे सकते हैं। लेकिन बिग बॉस ने उतने में ही सब कुछ चेंज कर दिया। निकी तंबोली घर से बेघर हो गई, और उसी के बाद कहीं ना कहीं आवाज़ उठने लगी कि भाई क्यों किया। हाल ही में ट्रेंड हो रहा है कि ब्रिंग बैक निकी। जी हाँ दोस्तों, निकी तंबोली को लेकर के भी इंटरनेट पर ज़बरदस्त ट्रेंड छाया हुआ है, और जितने भी फैंस हैं वो बैक वापस चाहते हैं कि निकी तंबोली जो है गेम में आए, क्योंकि अभी वो समय था अभी बिग बॉस आधा बचा है, और आधे बिग बॉस में आके लोग क्या करेंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लोगों को मज़ा आ रहा था देखने में। वहीं अगर हम बात करें तो राहुल वैद्या के लिए भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कल भी राहुल वैद्या जो है पूरा दिन ट्रेंडिंग पे बने हुए थे कि राहुल वैद्या नहीं होंगे तो हम बिग बॉस भी नहीं देखेंगे, लेकिन आज फिर से राहुल वैद्या ट्रेंडिंग पे बने हुए थे। राहुल वैद्या मैटर्स। जी हाँ दोस्तों, 94,000 प्लस इसमें जो है ट्वीट्स हो चुके हैं, तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि बिग बॉस की जो जनता है, यानी कि आप कह सकते हैं निकी के फैंस, राहुल के फैंस, वो इनको फिर से बिग बॉस में देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बिग बॉस में आए और जितनी भी इनकी गलतियाँ हुई ना उनको एकदम से निकाल देना। वो कहीं ना कहीं लोगों को वो पच नहीं, बात नहीं पच रही है फैंस के लिए कि आपने एक गलती हुई उसकी वजह से आपने राहुल को निकाल दिया, निकी को निकाल दिया, अली गोनी को निकाल दिया, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने सभी लोगों को निकाल दिया, और खुद कविता कौशिक तो खुद ही भाग के चल गई। मुझे लगता है जहाँ कविता कौशिक भाग के गई ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट बन गया। बिग बॉस को भी नहीं लगा था कि कविता ऐसे भाग के चल जाएगी। वेल, आपको क्या लगता है जो घर के बाहर ट्रेंड चल रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेंड चल रहे हैं, और फैंस कह रहे हैं कि नहीं हमें जो है ये लोग वापस चाहिए, अली गोनी के लिए भी यही ट्रेंड चल रहे थे, निकी के लिए भी यही ट्रेंड चल रहे थे, और वहीं अगर हम बात करें तो हाल ही में राहुल के लिए भी वही ट्रेंड चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बिग बॉस कुछ ऐसे तिकड़म चलाएंगे कि इन सभी कंटेस्टेंट को फिर से बिग बॉस के घर में लाएंगे? वैसे मुझे लगता है कि हो भी सकता है, लेकिन मुश्किल भी है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने टीआरपी देखी वो इन कंटेस्टेंट का उसमें कुछ नहीं था, आ नहीं रही थी टीआरपी। लेकिन देखते हैं बिग बॉस क्या करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बिग बॉस ने सब कुछ देखा, लेकिन जब टीआरपी नहीं आई तो बिग बॉस की मजबूरी थी इन सबको निकालना और नए कंटेस्टेंट को इसमें ऐड करना, खासकर चैलेंजर्स को।